गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार इसी टॉपिक के बारे में जो बहुत कॉमन टॉपिक है, ISR 1, ISR 2, ISR 3 और SH 14, इन सब फॉर्म्स के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास एक कमेंट आया था जिनका एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, बट मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्म्स के साथ नहीं, हो सकता है कई फॉर्म्स के साथ इन्वेस्टर्स के आगे आता हो, तो इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैं आपको कमेंट एक बार शो कर देता हूँ कि क्या कमेंट था। ये कमेंट मेरे पास आया था पंकज जी का, इन्होंने पूछा था डू वी हैव इनक्लोज CML लिस्ट अलोंग विद ISR 4। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि CML आप ISR 4 के साथ बिल्कुल लगा सकते हैं और इसको लगाना भी चाहिए, क्योंकि जब जब आप अपना CML लगाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट ही देता है, क्योंकि वो एक प्रकार का आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपका ये डिसाइड करता है कि अगर RTA को आपके शेयर्स आपके डिपॉजिटरी के पास भेजने हैं या डीमेट में भेजने हैं तो किस डिपॉजिटरी या डीमेट में भेजें। तो ये कन्फर्मेशन के लिए, आपका एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए CML देना आवश्यक होता है, तो अगर वो देते हैं तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से जब आप ISR 1 भरते हैं जिसमें आपकी सारी डिटेल भरी जाती है, तो उसमें आपसे CML नंबर भी, यानी क्लाइंट मास्टर, आपका DP ID, क्लाइंट ID, ये सब पूछा जाता है। तो आप अगर CML भेज देते हैं तो उससे आपका वो रिकन्फर्मेशन हो जाता है और CML के अकॉर्डिंग आपका वो प्रोसेस आगे किया जाता है। पर अगर आप उसे नहीं भेजते हैं तो उस केस में वो प्रॉब्लम कर देता है, और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उसको RTA तुरंत रिजेक्ट कर देता है। बट अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में अगर आप अपना ISR 1 या ISR 4 के साथ CML कॉपी देते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियरी होता है और साथ ही में आपके लिए भी वो लाभकारी हो जाता है, क्योंकि उस केस में वो उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ से उसे क्रॉस वेरीफाई करके रीचेक करके उसको आगे प्रोसेस कर देते हैं। अगर इन द केस कोई ऐसा इशू आता भी है तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि CML की कॉपी मैंने भेजी हुई है, और अगर आपको डाउट है कि मेरे फॉर्म फिलिंग में कुछ मिस्टेक है, मैंने क्लाइंट अपना CML या फिर अपना DP ID क्लाइंट आई कहीं कुछ गलत फिल किया हुआ है, तो आप उसे CML से देख करके उसको रिकरेक्ट कर लीजिए। पर यदि आपने नहीं भेजा होगा तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा और आपको वापस 30 डेज का दोबारा प्रोसेस कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी हर रिक्वेस्ट के साथ जिसमें आपका KYC अपडेशन हो या फिर नेम करेक्शन हो, उसमें ज़रूर अपना CML लगा कर भेजें, क्योंकि उसको भेजने से आपकी काफ़ी चीज़ें और डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब बात आती है कि CML किस प्रकार का होना चाहिए और कैसे उसे भेजना चाहिए। CML आपका सिंपल एक फोटोकॉपी होगा जिसमें किसी भी ओरिजिनल दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी आपका जहाँ भी डीमैट अकाउंट है, डिपॉजिटरी द्वारा किसी भी उस पर स्टैंप या मोहर की आवश्यकता नहीं होती है। आप जस्ट उसको सेल्फ अटेस्टेड करके भेज सकते हैं, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आप उसके साथ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड यानी KYC के डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ में अटैच करेंगे, तो आप उसको भेज देंगे तो वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए किसी भी ओरिजिनल CML की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल मतलब कि अगर आपसे कोई ओरिजिनल मांगता है तो इसका मतलब यह है कि आपको उस पर स्टैंप लगवानी पड़ेगी आपके डिपॉजिटरी की, परंतु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार ओरिजिनल ले सकते हैं अपने डिपॉजिटरी से स्टैंप लगवा के, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े उसकी फ़ोटोकॉपी करके साथ में अपने सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करके उसे भेज सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इससे जुड़े आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव होता है इस वीडियो से संबंधित तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका निवारण करने का। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं शेयर मार्केट और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।